राम सा दोस्तों, आज हमारे महाराष्ट्र के नासिक में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको नासिक तक कैसे पहुँचें, नासिक में कहाँ रुके, नासिक में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, नासिक में आप कौन कौन सी जगह पर घूमें और नासिक में आपका घूमने का क्या माध्यम रहेगा। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में बताऊँगा नासिक यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा आएगा। आइए दोस्तों वीडियो की शुरू से शुरुआत करते हैं। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 ज्योतिर्लिंग अकेले महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग सीरीज का पहला एपिसोड नासिक की शुरुआत करेंगे। नासिक में प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के समय पर सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया था। इस जगह पर लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा का नाक काटा था। इसी स्थान से रावण ने माता सीता का हरण किया था। आइए दोस्तों एक एक करके नासिक के सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। नासिक के तीर्थ स्थलों को 3 भागों में बांटा गया है, राम कुंड, पंचवटी और तपोवन। सबसे पहले हम बात करते हैं नासिक तक कैसे पहुँचे। नासिक शहर भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल मार्ग और सड़क नेटवर्क से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। नासिक का अपना खुद का रेलवे स्टेशन नासिक रोड रेलवे स्टेशन है। अगर आप फ्लाइट द्वारा नासिक आ रहे हो तो नासिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओझर पर आ सकते हो। एयरपोर्ट मुख्य शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके अलावा आप बाय रोड नासिक आ रहे हो तो नासिक के लिए बहुत सारी एसी और नॉन एसी बसें उपलब्ध है। नासिक पहुंचने के बाद सबसे पहले हम दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी देखने चलेंगे। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। अब हम गोदावरी नदी के पास पहुंच गए हैं। इसी जगह पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले के समय भक्त गोदावरी नदी और रामकुंड में डुबकी लगाते हैं। यह रामकुंड है, इसी कुंड में प्रभु श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का पिंड दान किया था। रामकुंड में लोग अस्थि विसर्जन और पिंड दान भी करते हैं। यहाँ पर आप बच्चों को रिमोट कंट्रोल कार में घुमा भी सकते हो। रिमोट कार का किराया 30 रुपए देना होता है। यहीं से आप गोदावरी माता के पवित्र जल में बोटिंग भी कर सकते हो। 60 रुपए में हमने 2 व्यक्तियों का बोट का टिकट कटवा लिया है। बोट वाला आपको नदी के 2 चक्कर लगवाएगा। बोट में आप रील भी बना सकते हो। गोदावरी नदी में आप बोट में घूमने का अलग ही आनंद आता है, इसीलिए यहाँ आए हो तो एक बार बोटिंग अवश्य करें। रामकुंड के एक किनारे पर हनुमान जी की प्रतिमा भी बनी हुई है, वहां भी आप दर्शन अवश्य करें। गोदावरी नदी के तट पर बहुत सारी दुकानें बनी हुई है, यहां आप छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हो। रामकुंड में स्नान करके आगे बढ़ जाए। त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की तरह ही यहां पर एक काले पत्थरों का भगवान भोलेनाथ का विशाल मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में दर्शन करने चलते है। मंदिर की डिजाइन बहुत ही शानदार बनी हुई है। अब हम रामकुंड से 200-300 मीटर की दूरी पर श्री कपालेश्वर मंदिर के दर्शन करने चलेंगे। भगवान शंकर जी के इस मंदिर में शिव जी के आगे नंदी भगवान विराजमान नहीं है। आइए दोस्तों कपालेश्वर मंदिर में दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। जय कपालेश्वर महादेव। अब हम पंचवटी में चलते हैं। रामकुंड से पंचवटी की दूरी लगभग 800 मीटर है। पंचवटी में 2 मुख्य स्थान है। पहले हम सीता गुफा देखने चलेंगे। सीता गुफा में काफी भीड़ रहती है। इस गुफा में माता सीता ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी। गुफा ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुफा में आपको झुककर प्रवेश करना पड़ेगा। गुफा के अंदर सबसे पहले आपको प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन करने को मिलेंगे। गुफा में थोड़ा और अंदर जाने पर भोलेनाथ का शिवलिंग दिखाई देगा। इसी शिवलिंग की माता सीता तपस्या किया करती थी। वनवास के समय पर माता सीता यहीं पर अपना ज्यादातर समय व्यतीत करती थी। इस स्थान का नाम पंचवटी इसीलिए पड़ा क्योंकि गुफा के बाहर 5 बड़े बड़े वट के वृक्ष लगे हुए हैं। इन्हीं वट वृक्षों की वजह से इसका नाम पंचवटी पड़ा। सीता गुफा के बाद हम यहाँ से 200 मीटर दूर कालाराम मंदिर में दर्शन करने चलेंगे। प्रभु श्री राम ने वनवास के 10 वर्ष बाद इसी परिसर में
ढाई वर्ष का समय व्यतीत किया था। अब हम हनुमान मंडप में पहुंच गए हैं। इसमें कुल 95 खंभे लगे हुए हैं। इस मंडप में हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है। इस मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता जी की 3 मूर्तियां स्वयंभू है और काली रेत से बनी हुई है। श्याम वर्ण होने के कारण इसे काला राम मंदिर कहा जाता है। अब हम नासिक यात्रा के अगले पड़ाव तपोवन की ओर चलते हैं। काला राम मंदिर से तपोवन की दूरी 4-5 किलोमीटर है। मंदिर के बाहर से ही आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे जो आपको तपोवन छोड़ देंगे। ऑटो का किराया 60 रुपए देना होगा। अगर आप पर्सनल ऑटो लेकर तपोवन जा रहे हो तो उसके लिए 200 से 250 रुपए राउंड ट्रिप के लगेंगे। काला राम मंदिर से तपोवन जाते समय रास्ते में श्री रामपर्ण कुटिया आएगी। इसी कुटिया से रावण ने माता सीता का हरण किया था। यहाँ लक्ष्मण रेखा मंदिर भी बना हुआ है। तपोवन में आज भी बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तपोवन में श्री लक्ष्मण जी का मंदिर बना हुआ है। इस जगह पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। मंदिर के गेट पर बहुत ही बढ़िया मूर्तियां लगी हुई है। सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद मंदिर में आगे बढ़ जाए। इस मंदिर में रामायण की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई है। लक्ष्मण जी की मूर्ति के सामने स्वयंभू हनुमान जी की प्रतिमा है। यहाँ दर्शन करने के बाद आप लक्ष्मण जी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ जाए। यहाँ आपको लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा का नाक काटे हुए प्रतिमा बनी हुई दिखाई देगी। श्री लक्ष्मण जी यहाँ पर शेषनाग अवतार में विराजमान है। अब हम कपिला और गोदावरी नदी के संगम देखने चलते हैं। तपोवन में इमली के बहुत सारे पेड़ देखने को मिल जाएंगे। राइट साइड से आने वाली नदी गोदावरी नदी है और लेफ्ट साइड से आने वाली नदी कपिला नदी है। दोस्तों, हम संगम स्थल पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हो। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें रिमोट कंट्रोल कार में घुमा भी सकते हो। कपिला गोदावरी नदी संगम को बहुत ही पवित्र संगम माना जाता है, इसीलिए नासिक आए हो तो आप एक बार यहाँ अवश्य आए। इसी जगह पर माता सीता ने अग्नि कुंड में प्रवेश किया था। इस कुंड में माता अग्नि में प्रवेश हुई थी। अभी यहाँ पर पानी भरा हुआ है। यहाँ आपको हरियाली भी बहुत सारी दिखाई देगी। यहाँ आकर आप कुछ समय बिता सकते हो। तपोवन में ही गोदावरी नदी के किनारे पर स्वामी नारायण जी का मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर कपिला गोदावरी संगम से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर में सुबह दर्शन 7 से 12 बजे और शाम को 4 बजे से 9:15 बजे तक आप कर सकते हो। यह काफी भव्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर परिसर में एक सुंदर गार्डन भी बना हुआ है। समुद्र मंथन करते हुए दिखाया गया है। भगवान भोलेनाथ की एक विराजमान मुद्रा में सुंदर प्रतिमा भी यहाँ पर बनी हुई है। दोस्तों, पूरा मंदिर संगमरमर से बना हुआ है। यह मंदिर काफी भव्य और सुंदर दिखता है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई है। शाम के समय पर मंदिर में काफी संख्या में भक्त आते हैं। मंदिर अंदर से बहुत ही सुंदर और विशाल है। यहाँ पर आप अलग अलग बहुत सारी प्रतिमाओं के दर्शन कर सकते हो। मंदिर के बाहर आप भक्तों की भीड़ देख सकते हो। मंदिर के बाहर राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता की प्रतिमा भी बनी हुई है। इस प्रकार से आपकी पूरे नासिक शहर की यात्रा पूरी हो जाएगी। नासिक में होटल सामान्यतः आप पंचवटी में बुक करवा सकते हो। पंचवटी पर बहुत सारी धर्मशालाएं भी बनी हुई है। 2 व्यक्तियों के लिए धर्मशाला में रूम आपको लगभग 500 से 1000 रुपए में मिल जाएगा। नासिक में खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है। नासिक का प्रसिद्ध मिसल पाक अवश्य खाए। नासिक शहर में घूमने में लगभग 6 से 7 घंटों का समय लगता है। इस प्रकार से आपकी नासिक शहर की पूरी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। अगले वीडियो में हम नासिक से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चलेंगे। इसीलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग सीरीज के सभी एपिसोड देख सकते हो। जय हिंद, हर हर महादेव।